Hello beauties, welcome to my channel. My name is Preeti and in this channel we are going to talk about lifestyle, fashion, beauty, hacks and lot more. So first of all thank you so much for the love and support on our last video. तो आज का जो वीडियो है उसमें हम साड़ी स्टाइलिंग को देखेंगे. अब जैसे कि अपकमिंग फेस्टिवल्स आ रहे हैं, करवा चौथ, दिवाली, तो इन सब फंक्शंस पे, इन सब फेस्टिवल्स पे मोस्टली लेडीज साड़ी कैरी करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो इसीलिए हम आज साड़ी स्टाइलिंग देखेंगे. तो पहला साड़ी लुक है वो मैंने क्रिएट किया है इस मिंट ग्रीन कलर की साड़ी के साथ. ये साड़ी मेरी वेडिंग ट्रूसों में से है, सो आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू लिंक्स, बट अगर ऐसा कोई सिमिलर साड़ी ऑनलाइन अवेलेबल हुई तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द लिंक. मेन जो मोटो है वो है कि आप यहाँ से आइडियाज़ लीजिए और अपने जो आपके वॉर्डरोब में साड़ीज़ हैं उनको स्टाइल कीजिए. लाइक इस साड़ी में गोल्डन बॉर्डर है और एक डार्क ग्रीन कलर के डिटेल दी हुई है. तो मैंने इस साड़ी में और कोई कलर ऐड करने की जगह इसी में जो डिटेल दी हुई है इसी कलर को पॉप किया है. तो इस कलर के लिए मैंने एक बॉटल ग्रीन कलर का ब्लाउज़ लिया है. मेरा ब्लाउज़ स्लीवलेस है, बट अगर आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एल्बो लेंथ तक का ब्लाउज़ भी कैरी कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और अच्छा लुक देगा. तो एक्चुअली मैंने ये एक मोनोक्रोम लुक क्रिएट किया है जिसमें आप क्या करते हैं, एक ही कलर के दो डिफरेंट शेड को साथ में पेयर करते हैं. आप यही मोनोक्रोम लुक और कलर्स के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं. लाइक आपको पिंक साड़ी कैरी करनी है तो आप लाइट पिंक साड़ी पहन रहे हैं तो उसके साथ डार्क पिंक कलर का ब्लाउज पहन लीजिए. अगर आप लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहन रहे हैं तो आप उसका डार्क ब्लू कलर का ब्लाउज पहन लीजिए, या वाइसा वर्सा. आप ब्लाउज डार्क रख लाइट रख सकते हैं, साड़ी डार्क रख सकते हैं. तो मोनोक्रोम लुक में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ही कलर को लेते हैं और उसके दो डिफरेंट शेड लेते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट होता है. आपने देखा भी होगा कि सब्यसाची लुक आजकल इन्हीं शेड्स के साथ वेरी करते हैं, एक ही शेड के दो, एक ही कलर के दो डिफरेंट शेड्स लेते हैं और उससे लुक क्रिएट्स करते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी और सोफिस्टिकेटेड सा लुक क्रिएट होता है. तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मोनोक्रोम लुक क्रिएट करने के लिए. तो इसे एक्सेसराइज करने के लिए मैंने एक नेकलेस वेयर किया है जो कि पर्ल का और इसी सेम कलर के स्टोन्स, ब्लाउज के सेम कलर के स्टोन्स हैं उसमें और पर्ल्स का डिटेल है. तो मेरा जो नेकलेस है वो बहुत हैवी है इसलिए मैंने उसके साथ जो इयररिंग्स पेयर किए वो बहुत मिनिमल रखे हैं. आपका कोई भी छोटे कुंदन के या फिर आपका गोल्ड का कोई भी इयररिंग है आप उसके साथ वो पेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नेकलेस हैवी है और आपने इयररिंग्स भी हैवी पहने तो वो एक टाइप का क्योस क्रिएट कर देंगे और कोई भी चीज़ उभर के नहीं आएगी, तो आपका नेकलेस का लुक है वो उभर के नहीं आएगा. तो इसलिए अगर आपका नेकलेस हैवी हो तो ट्राई कीजिए कि आपके इयररिंग्स लाइट रहे, या फिर आप डिच भी कर सकते हैं टोटली इयररिंग्स को ना पहनिए. तो इससे क्या होता है, क्लीनर लुक आता है. जो बैंगल्स पहने हैं वो प्लेन बॉटल ग्रीन कलर के, जो हमारा ब्लाउज का कलर है वही, उसी कलर के बैंगल्स रखे हैं. तो बेसिकली हमें करना क्या होता है कि हमारे लुक में जो भी कलर कम है उसी को थोड़ा ज़्यादा पॉप करना होता है. लाइक पूरी साड़ी मिंट ग्रीन कलर की थी और कम कलर था हमारा बॉटल ग्रीन, तो हमें इसी कलर के साथ एक्सेसराइज करना है. तो मैंने इसलिए बैंगल्स को बॉटल ग्रीन रखा है, साथ में ज्वेलरी के पर्ल को मैच करने के लिए मैंने पर्ल के बैंगल्स को पहना है ताकि वो बैलेंस्ड क्रिएट हो जाए इस लुक में. और साथ में मैंने एक रिंग पहनी है. और हेयर स्टाइल के लिए मैंने क्या किया, अपने बालों को एक लो बन में टाई कर लिया है. ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेकलेस बहुत हैवी था तो मुझे अपने नेकलेस को ज़्यादा उभारना था, इसलिए मैंने अपने बालों को मैंने टाई कर लिया है. तो आप भी अगर आपका नेकलेस बहुत हैवी है तो ट्राई कीजिए कि आप उसके साथ बालों को टाई कर लें, लो बन, हाई बन, टोटली योर चॉइस. या फिर आप पोनी भी रख सकते हैं, एक स्लीक सी पोनी बना लीजिए. तो इस तरह से मैंने क्रिएट किया है अपना फर्स्ट लुक. तो चलिए देखते हैं कैसा लग रहा है ये लुक. सेकेंड लुक मैंने क्रिएट किया है विद दिस गॉर्जियस स्काई ब्लू कलर की साड़ी. तो मुझे लगता है कि इस कलर का अपना एक ऑरा है, मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है ये.
एज यू कैन सी कि ये कलर बहुत ब्राइट है, तो इसकी ब्राइटनेस को मैच करने के लिए मैंने इसके कॉन्ट्रास्ट का एकदम फ्यूशिया पिंक कलर का ब्राइट ब्लाउज के साथ पेयर किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी साड़ी बिल्कुल प्लेन है और बॉर्डर पे थोड़ा डिटेल है, बॉर्डर पे वीविंग है गोल्डन। तो साड़ी प्लेन थी इसीलिए मैंने जो ब्लाउज कैरी किया है वो मैंने ऐसा लिया है जिसपे थ्रो आउट पूरे ब्लाउज पे वीविंग है, मतलब ब्लाउज मेरा बिजी वर्क वाला है क्योंकि साड़ी मेरी प्लेन है। तो आप भी ऐसे ही थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आपकी साड़ी प्लेन है तो ब्लाउज विल बी हैवी, आप ब्लाउज को हैवी लो या फिर उसमें कुछ वर्क हो, डिटेल्स हो, ऐसा ट्राई कीजिए। और अगर आपकी साड़ी पूरी हैवी है, उसमें पूरे में वर्क है, तो ब्लाउज को आप ट्राई कीजिए कि वो प्लेन रहे, वो एक सिंगल कलर में हो, ताकि आपका लुक बहुत क्लीन आए। तो इस साड़ी को एक्सेसराइज करने के लिए मैंने इस ब्लाउज के साथ मैंने पेयर किया है। और आप देख सकते हैं कि ब्लाउज का जो नेक है वो बोट नेक है, तो बोट नेक आपके नेक पे फॉल होता है, तो नेक पे जब फॉल होता है तो आप उसके साथ अगर कुछ चोकर या नेकलेस पहनेंगे तो वो आपको एक मेस क्रिएट कर देगा आपकी नेक के अराउंड, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी आप कुछ हाई नेक पहन रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि नेक को आप या तो खाली छोड़ दें या फिर एक सिंगल मंगलसूत्र कैरी कीजिए या फिर कुछ ऐसा पहने जो आपके नेक पे ना फॉल हो, जैसे कि रानी हार पहन लीजिए, लॉन्ग चेन पहन लीजिए जो नेक से थोड़ा दूर हो, ताकि आपका नेक बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, आपका लुक बहुत क्लीन आए। तो इसके साथ आप मैंने जब लॉन्ग चेन पहना है, रानी हार पहना है, तो उसके साथ मैंने इयररिंग्स थोड़े छोटे रखे हैं क्योंकि जो मेरा रानी हार था वो खुद में बहुत हैवी था, तो आई डोंट वॉन्ट के कुछ मैसी सा हो जाए, कुछ भी क्लीन ना लगे, तो इसलिए मैंने इयररिंग्स को बहुत मिनिमल रखा है। और इसके साथ भी मैंने जो हेयर स्टाइल बनाया है उसमें बालों को मैंने एक बन क्रिएट किया है, क्योंकि बोट नेक था तो मैंने ट्राई किया कि बालों को मैं पीछे बांधूं, तो मैंने एक थोड़ा सा लो बन नहीं, थोड़ा हाई बन बनाया है और उसको मैंने एक्सरसाइज करने के लिए गजरा लगाया है। आप गजरा, फूल, आप पिंक कलर के फूल लगा सकते हैं क्योंकि पिंक को हमें थोड़ा ज़्यादा उभारना है, क्योंकि हमारा पूरा लुक स्काई ब्लू कलर से क्रिएट होगा क्योंकि हमारी साड़ी है स्काई ब्लू कलर की। तो आप ट्राई कीजिए कि आप इस कलर को पॉप करें, तो इसके लिए आप या तो गजरा लगा सकते हैं या पिंक फ्लावर लगा सकते हैं। और ब्लाउज की मैचिंग की ही आप चूड़ियां पहन सकते हैं, प्लेन पिंक कलर की चूड़ियां पहन सकते हैं, या फिर इसमें एक गोल्ड का भी हिंट है इसलिए मैंने इसके साथ गोल्ड बैंगल्स पहने हैं, बट इट्स टोटली योर चॉइस। आपको पिंक बैंगल्स पहने तो पिंक पहनिए, गोल्डन पहने तो गोल्डन पहनिए। तो चलिए देखते हैं अब ये लुक कैसा टर्न आउट हुआ है। थर्ड लुक मैंने क्रिएट किया है विद दिस ब्यूटीफुल मरून कलर साड़ी। ये गढ़चोला की साड़ी है, तो ये आपको पता ही होगा कि ये राजस्थान और गुजरात साइड का आर्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो साड़ी है ये पूरा बिजी वर्क है, इसमें पूरी साड़ी पे ऐसे गढ़चोला का प्रिंट बना हुआ है और गोल्डन थ्रेड से वीविंग हुई है। तो ये साड़ी खुद में बहुत हैवी थी, तो मैं चाहती थी कि मेरी साड़ी ज़्यादा उभर के आए, तो इसलिए मैंने जो इसके साथ ब्लाउज पेयर किया है वो प्लेन गोल्डन है, और गोल्डन भी मैट गोल्डन है, वो चटकीला वाला गोल्डन नहीं है, क्योंकि हमारी साड़ी है उसमें भी मैट गोल्डन वर्क है, तो इसलिए हमने इसके साथ ब्लाउज भी मैट गोल्डन पेयर किया है। और जो ब्लाउज का नेकलाइन है वो स्वीट हार्ट नेकलाइन है, तो जो नेकलाइन है वो हमारा नीचे फॉल होता है, इसलिए हमने इसके साथ एक हैवी मैट गोल्ड का नेकलेस पेयर किया है जिसमें मरून कलर के स्टोन्स का हिंट है, जो दोनों के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। साथ में मैंने मैट गोल्ड कलर के ही इयररिंग्स पेयर किए हैं, वो दोनों साथ में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं और ये लुक सच में बहुत प्यारा टर्न आउट हुआ है। मेरा नेकलेस जो था वो बहुत हैवी था, इसलिए मैंने बालों को पीछे एक बन में टाई कर लिया है ताकि मेरा नेकलेस, मेरी साड़ी बहुत उभर के आए। साथ में मैंने हाथों में गोल्डन कलर की बैंगल्स ही रखे हैं ताकि इसमें जो गोल्ड है, ब्लाउज का जो गोल्ड है वो बहुत उभर के आए। तो ये लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे, तो आप भी देखिए ये लुक आपको कैसा लगता है। साड़ी
साड़ियाँ हैं, तीनों ही ये मेरे वेडिंग ट्रूसों में से थी, तो मैं इनका आपको लिंक तो नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगी, बट अगर आप चाहते हैं कि इनसे सिमिलर कोई साड़ियाँ आपको भी चाहिए तो मैं उसके लिए आपको कुछ इनसे सिमिलर साड़ियों का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ये जो ब्लाउज मैंने पिंक वाला पेयर किया था ब्लू साड़ी के साथ, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड लिंक ऑफ दिस ब्लाउज। और जो ये ग्रीन वाला ब्लाउज था ये भी मैंने मीशो से परचेज किया है, तो इसका भी कोड मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो नेकलेस है ग्रीन वाला और पर्ल वाला, वो भी मैंने अमेजोन से परचेज किया था, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो भी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होंगी आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द लिंक, बट जो चीजें ऑफलाइन मैंने परचेज किया उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी। और मेरे लास्ट वीडियो में भी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपको दुपट्टों के लिंक चाहिए, तो उनमें से कुछ दुपट्टे मैंने ऑफलाइन लिए थे और कुछ ऑनलाइन, तो जिन भी दुपट्टों का ऑनलाइन लिंक या फिर उनसे सिमिलर दुपट्टों का ऑनलाइन लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो हमारी ये वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।